सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग खेलने वाले हैं आज माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तुम लोगों का थंबनेल देखो तो पता चल चुका होगा। तो हम लोग आज क्या करने वाले, तो गाइस हम लोग आज करने वाले हैं ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले। तो तुम लोगों का पता चल चुका होगा हम लोग ट्रेडिंग हॉल का मैंने मतलब नीचे का जो फाउंडेशन है मतलब समझ रहे हो ना, चारों तरफ से उसका जो मतलब कवरेज एरिया है वो मैंने बना लिया है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले, मतलब यह मैं सोच रहा हूँ नीचे की जो लेयर होती है मतलब जो हम लोग यहाँ पर नीचे पैर रखते हैं वो मैं लकड़ी का लेने वाला सोच रहा हूँ। भाई यहाँ पर ये या सनफ्लावर क्यों आता है, तो निकल यार एक मिनट रुको बस, इसकी वजह से ये नीचे लगने रहा। एक तोड़ जा भाई कुराड़ हाथ में, भाई ऊपर का क्यों तोड़ा, नीचे का भी तोड़ना पड़ेगा। ये एक तोड़ साला कमी नहीं, एक मिनट क्या, चलो ये टूट गया। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये पूरा का पूरा मतलब ये पूरा का पूरा भेंट कंप्लीट कर देता होगा। इसके मुझे पता है काफ़ी टाइम लगने वाला और ये इतना बड़ा मतलब बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं पूरा का पूरा जगह मतलब कंप्लीट कर देता हूँ। मतलब कंप्लीट करने का मतलब ये पूरा फ्लावर्स यार क्यों आ रहे बीच में, निकलो जाओ यहाँ से, हाँ तुम लोग बीच में आते रहते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद आप सभी से मिलता हो। तो गाइस मैंने आधा कंप्लीट कर दिया और आधा बचा हुआ है, और इधर से ये खड्डे वगैरह सारे बीच में ये आ रहे हैं, इसकी वजह से पहले सबसे पहले खड्डे मुझाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बचा हुआ काम पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो हो जाए शुरू। तो गाइस मैंने बचा हुआ पूरा काम कंप्लीट कर दिया और मैं अब भीतर का काम चालू है अपना, मतलब नीचे का भीतर नहीं सोच रहा। तो उधर आप मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इस वाले स्टोन से पूरा का पूरा मतलब ये पूरा बना दो, क्योंकि अपने मतलब महल का जो कैसल है इससे मैच होता है। तो मेरे को लगता है ये अच्छा ठीक रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर मतलब मैं सोच रहा हूँ पाँच लेयर की दीवार ऊपर तो लूँ, तो ये ब्राउन क्या बोलते हैं इसे, लास्ट बाउंड्री बाउंड्री है वो, समझ रहे हो ना यार, यार याद नहीं आता, समझा करो यार पांडे। अभी क्या कर, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ बीचों बीच है ना मैंने कांच के लेयर लूँ। तो तुम लोगों को कैसा लगा आइडिया, आपने मेरे को तो ठीक ठाक लगा, तुम लोगों को अच्छा लगा तो फिर बताना। मेरे को लगता है अच्छा ही होगा यार, बीच में कांच का मतलब ठीक है ठीक ठाक देखिए, इतना बुरा भी नहीं लगेगा। मैं सोच रहा था पूरा पूरा लकड़ी का बना दूँ, पर नहीं यार मेरे को लगता है थोड़ा लकड़ी और पत्थर मिक्स होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैं पूरा पूरा एक सबसे पहले कंप्लीट कर देता हूँ। एक मिनट रुको भाई, लग जाए इधर आखिरी बच्चा हुआ। तो अभी ऊपर वाला लेयर सबसे पहले कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। और भाई ये क्या हुआ है, ये बीच में कांच रह गई है, कांच सबसे पहले तोड़ देता हूँ भाई। टूट जा टूटना, अरे इतना क्यों टाइम ले रही है। और यहाँ पर भी लगे क्या, एक मिनट रुको यहाँ पर लगे कितने का हो गया, खत्म अपना काम 50 का। तो अपना सारे के सारे चीज़ें मैं ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी हुई है। गाइज मेरे को यहाँ पर क्या लग रहा है पता है, कि अपने जो बड़ी बड़ी मतलब 4x4 की जो कांच लगाई है ना, मेरे को लगता है उससे अच्छा है कि हम लोग छोटी वाली कांच बना ले। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं सारे जेकेट का मीटर वो ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद अपने को कांच चाहिए, अपने मैंने सारी बड़ी वाली कांच बना के रखी हुई है, छोटी वाली कांच बना के रखी हुई है क्या। एक मिनट अपने और चाहिए और क्राफ्टिंग टेबल लग जाए, क्राफ्टिंग टेबल लगाने के बाद अपने सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लिया मैंने। अभी अपने को छोटी वाली कांच बनानी, कांच किधर है भाई, ये छोटी वाली कांच किधर है, कच 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 मतलब जो एक मिनट हाँ दिल गए। तो अपने पास आ गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइस यहाँ पर मतलब ये बड़ी वाली सो जाता हूँ गाइस, काफ़ी रात हो चुकी है ना, तो ज़ॉम्बी अपने को बेवजह खा जाएंगे अपना भाजी पाला बना देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सोने के बाद उठने के बाद सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ मतलब यहाँ पर छोटी वाली कांच लगा दूँ, पर अभी बाद में तोड़ना मुश्किल है, रहने देता हूँ बड़ी वाली कांच रहने देता हूँ। क्या करते गाइस, इस तरफ मैं बड़ी वाली कांच रहने देता हूँ, और आई थिंक सो मैं बाद में तोड़ दूंगा, नहीं रहने दो अभी बड़ी वाली कांच में उठने लगे, मुझे छोटी वाली अच्छी लगेगी मेरे को लगता था। देखते हैं गाइस, सबसे पहले ये पूरा पूरा कंप्लीट कर देता हूँ अपन, यहाँ पर सबसे पहले दीवार का काम शुरू कर देते हैं। तो ये दीवार अपने फिनिश करने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि इसलिए काफ़ी वक्त लगने वाला है। तो गाइस फिनिश करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस मैंने दीवार आखिर फिनिश हो गई है, तो ये गाइस भीत कुछ इस तरह के दिखने वाले, देखो गाइस कुछ मतलब ठीक ठाक ही लग रही है, इतने बोरी भी नहीं लग रही मेरे को, तो ठीक ठाक ही लगे तुम लोग किसी मुझे कमेंट कर जरूर बताना, पर मेरे को बहुत ओपी लग रही है। सबसे पहले इस तरह का काम भीत का काम शुरू कर देते हैं अपना, 50x19 मतलब जो भी है पट्स काम करने के बाद अपने को तुम लोग, भाई ये क्या यार खड्डे में गिर गया, चलो बाहर निकलते, बाहर निकल रास्ता की तरफ, हाँ ये रहा का रास्ता, और इधर से भाई यार सामने खड्डा नहीं, भाई बच गया अपने एम एल जी, अच्छा ठीक ठाक जम रहा है, इतना भी बुरा नहीं है। तो ठीक है ऐसे निकलते बने, यहाँ पर एम एल जी का मतलब क्या बोलते, पारकोल, एम एल जी जो ऊपर से बाहर लेकर कूदने को बोलते, यार समझा करो यार होता है, कोई बात नहीं। तो अपना सेकंड दीवार का ये काम भी शुरू कर देते हैं, सबसे पहले सेकंड दीवार का काम खत्म करने के बाद आप सबसे मिलता हो। तो पीछे की भिंत पूरी की पूरी अब बन चुकी है, और पीछे की भिंत बनने के बाद अब पीछे की तरफ हमें कांच का लेयर लेना है बिल्कुल उसी की तरफ, पर यहाँ पर मैं गाइस छोटी कांच का लेयर लेने वाला हूँ, और वहाँ पर जो भी कांच है मैं वो बड़ी कांच को तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है छोटी कांच अच्छी दिखेगी इसलिए छोटी कांच का ही लेयर लूँगा। तो अपनी बड़ी कांच का जो लेयर होता है मैं तोड़ने वाला पूरी तरह से। तो अभी देखते हैं गाइस हमको मतलब पूरा पूरा कंप्लीट कर देते हैं, हो जा आखिरी बच्चों है पट से लगे अभी लोग, आज हमारे काम के बीचों बीच कांच लगी यार। सबसे पहले ऊपर का लेयर भी ले लेते हैं भीतर, जो अपना बचा हुआ दीवार हुआ वो भीतर बोल रहा है उसे, दीवार को पूरा कंप्लीट करे तो दीवार कंप्लीट करने के बाद मिलता हो। तो गाइस फाइनल दीवार भी कंप्लीट हो चुकी है, और दीवार कंप्लीट करने के बाद अभी इधर एक छोटा हुआ बचा हुआ एक कांच का टुकड़ा है, ये भी तोड़ देता हूँ सबसे पहले। तो भाई टूट जा, एक मिनट रुको गाइस, मेरे पास एक रहा, और ये टूट जा भाई टूट जा हाँ टूट गया, अरे भूल गया यार अपने, मेरे को लगा वापस मिलेगा पर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। तो ये बाजू के भीत का काम भी आप शुरू कर देते हैं, और बाजू का पूरा अभी ये क्या,
एक मिनट रुको गैस, अब हाँ मेरे को भूख लगी है, पहले खाना खा लेता हूँ सबसे पहले गैस। अभी खाना तो अपने को खाना ही पड़ेगा। तो गैस अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैं भीत पूरी की पूरी कंप्लीट करता हूँ, और भीत कंप्लीट करने के बाद आप सभी से मिलता हूँ। तो पहले ये काम हो जाए शुरू। तो गैस मैंने भीत कंप्लीट कर दी और बचा हुआ है थोड़ा सा कांच का काम, बचा हुआ है कांच का काम भी पहले कंप्लीट कर ही देता हूँ। भाई हो गया कंप्लीट, भैया बीच बीच एक कांच लगे और आधा लगा हुआ है, आधा रह चुका है। तो ये आधा भाई लग जा परचेस भाई, पता है क्या गाइस, इसमें कांच बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब बाजू में लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो समझ कोई बात नहीं। चलो मेरे को लगता है ऊपर जाके लगाने पड़ेंगे। एक मिनट, ये लग गया और ये ऊपर आ गया, चलो अब अच्छे से लग गया। तो इस पर खड़े कर ही लगाने पड़ेंगे अपने को लग रहा है। जो हो जा शुरू गुरु, एक मिनट बीचों बीच क्यों रह गया भाई। तो हो गया अपना 50 का काम। तो ये गाइस हो गया अपना 50 वाला। तो इधर से टूट जाइए, टूट भाई टूट। चलो फाइनली गाइस वो टूट गया। अभी हम लोग सबसे पहले एक कांच का लेयर तोड़ देते हैं, और कांच का लेयर टूट गया। अभी वहाँ पर एक कांच लगा देते हैं और लग गया अपना कांच, और अपने पट्ट से अपना काम हो गया। भाई ये मैं तो भूल ही गया, मैं बाजू का एक कांच भी तोड़ने अपने को। सबसे पहले एक कांच तोड़ देता भाई, टूट जा भाई पांडे से अपने अच्छे से बच्चे, और ऊपर का भी लेयर गया, मैं ऊपर का तोड़ गया। तो अपने को अब ऊपर की दीवार भी कंप्लीट करनी, ऊपर की दीवार भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस हमने फाइनल ऊपर की दीवार भी कंप्लीट कर दी, और फाइनल ऊपर दीवार कंप्लीट करने के बाद अभी बीच बीच एक मिनट को यहाँ पर बीच बीच गाइस एक जगह रह गई है, अपन लगा लेते सबसे पहले। कितने इधर ही गई थी ना, हाँ ये रही, मैंने अपनी जल्दी जल्दी में लगाई थी इसलिए वो जगह रह गई थी। तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर लगा देते हैं। और ये मैं सोच रहा हूँ अपने अपने को ये पूरा का पूरा कंप्लीट करने का है। तो सोच रहा हूँ मैं इधर मतलब गाइस सबसे पहले देख लेता हूँ कैसे लग रहा है, मतलब अच्छा लग तो रहा है ना, मेरे को लग तो अच्छा ही रहा है। तो यहाँ पर बीचों बीच मतलब चारों तरफ से विलेजर आएंगे, और इधर मतलब देखते हैं सर, एक मिनट दूर से देखते हो, मतलब बाजू से अपना जो बाउंड्री अपने बनाया हुआ है ऊपर वाला, वो ठीक ठाक लग रहा है क्या? नहीं ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना बुरा भी लग रहा है अपने को। ठीक कोई बात नहीं, चलो ऊपर चढ़ते। एक मिनट गाइस, मैं ये तो भूलेगा अपने को उधर कांच के लिए लगाए, अपने तोड़ने पड़ेंगे यार, इधर अपने को छोटे छोटे कांच लगाने पड़ेंगे। पर मैंने कांच के बॉक्स लगाए हुए, अपने को 1 वॉट का कांच लगाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, गाइस पूरी का पूरा कांच के लिए तोड़ देता हूँ, और मेरे को लगता है तोड़ने पड़ेगा। चलो गाइस पूरे पूरे कांच के लिए तोड़ने के बाद आप सभी से मिलता हूँ। तो गाइस मैंने पूरी पूरी कांच के लिए तोड़ दी, और अपने को उधर छोटे वाले कांच बना रही की है। तो गाइस छोटे वाले कांच मैंने बना दिए, अभी सबसे पहले छोटे कांच बनाने के बाद हम उधर काम लगाने का काम शुरू करते हैं। मैं ऊपर चढ़ जाए, ऊपर चढ़ने के बाद ये रहा, तो अभी कांच बना देते गाइस। तो गाइस मैंने यहाँ पूरी पूरी इस तरह से पूरी पूरी मेरे को कांच लगानी पड़ेगी। तो अभी क्या कर सकते पहले कांच लग जाए भाई आराम से। तो गाइस मैं अभी क्या करता हूँ, उस तरफ से कांच पूरे लगाने के बाद आप सभी से मिलता हूँ। तो पहले अपने को पूरी पूरी कांच कंप्लीट करनी पड़ेगी, और ऊपर का ये छेद भी अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक बार सबसे पहले ऊपर का छेद भी कंप्लीट कर देता हूँ सबसे पहले यार, हो जाए शुरू। तो इस तरह से अपने को ऊपर का छेद और एक कांच कंप्लीट करने के बाद आप सभी से मिलता हूँ गाइस। तो गाइस मैंने उधर की कांच कंप्लीट कर दी है, और अभी छोटा हुआ छेद बचा हुआ है, तो छेद अपन कंप्लीट कर ही जा रहा है इधर। तो अभी देखो गाइस ये कंप्लीट हो ही जाएगा है, और फाइनली मैंने वो छेद भी गाइस कंप्लीट कर दिया। तो किधर गाइस हमको मदद करने के लिए आज केड़ी भाई आ चुके हैं, और केड़ी भाई ने मेरे छेद बनाने में थोड़ी बहुत मदद कर दी है, तो उनकी वजह से मैं ये पूरी छेद बना पाया, इसलिए शुक्रिया। तो केड़ी भाई को यार इसी बात पर कोई धन्यवाद नहीं देगा, समझ रहे पांडे जी, जाके उसके चैनल पर जाकर डिसलाइक फोका होगा भी जा, कोई बात नहीं है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं गाइस, अपने को उधर मतलब एक मिनट रुको, अपने को तोड़ना पड़ेगा। टूट जाए भाई, भाई क्या नेट हाग रहा है, ऐसा कौन सा नेट हाँता है, एक मिनट नेट नहीं हाग रहा थी उसको, मेरे को मैं अपने गलती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले गाइस देखते हैं दूर से लग कैसा रहा है अपना कैसल, मतलब विलेजर का आउटपोस्ट, विलेजर का आउटपोस्ट की बोल रहा है यार, कोई बात नहीं। चलो अपने को एक मिनट, यहाँ एक मिनट मैं कांच लगा दूँ क्या अपने सामने की तरफ, एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट यहाँ पर हो जा, ये इतना बड़ा ठीक होगा दरवाज़ा, नहीं और एक लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये अब ठीक लग रहा है आई थिंक सो। इधर तरफ इस तरफ से भी गाइस एक ले लेता हूँ, मेरे ख्याल से एक तो लेना ही पड़ेगा। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ हो गया पांडे जी, और ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ सबसे पहले मैं, और नीचे का पाइप हो जा शुरू। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस ये सब मतलब बनाना, मतलब थोड़ा मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है। तो ये फाइनली हो गया अपना कंप्लीट अच्छा सा ओपी वाला। तो अभी दूर जाके देखते हैं और कैसा लग रहा है अपने को, अब तो ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना बुरा भी लग रहा। तो अपने को क्या करना है, सामने वाले की एक लेयर तोड़नी है, जो कांच की लेयर है ना वो अपने को तोड़नी है, और वहाँ पर कांच लगानी है अपने को। एक मिनट को ये कांच की लेयर, तो अपने को तोड़नी है पूरी पूरी कांच की लेयर, और वहाँ पर अपने को कांच लगानी है। टूट जाए, और एक लेयर फाइनल लेयर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मतलब मैं कांच नहीं लगाने वाला हूँ। तो मैंने फाइनल लेयर की जो भींत है वो छोड़ दी है, और यार बारिश को ज़्यादा ही नहीं हो रही, अपने को जाकर सबसे पहले सो जाता हूँ यार, सोने के बाद उठता होगा उस सोने का बटन। और यार नहीं आ रहा यार, ये रात क्यों नहीं हो रही है, अभी बारिश में सो सकते हैं ना हम लोग, मतलब क्यों नहीं सो पा रहे, इसका तो शक ही ना कम है। माइनक्राफ्ट बोलो तेरे घर में आके घुस के मारूंगा, नहीं समझ रहो, नहीं मारूंगा, कुछ मत करो, समझ रहे पांडे जी। तो इस तरफ की अपनी को ये काम शुरू कर रहे थे, मैंने बारिश में अंधेरे में लपोरा का पूरा तुम लोगों को लाइट का मतलब कुछ अजीब दिख रहा होगा, कहेगा मैं क्या करूँ यार, सो नहीं पा रहा माइनक्राफ्ट में, समझा करो थोड़ा मतलब सन कर लो। मैं से भी एडिट करते हो, पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को क्लियरिटी दिखे, पर क्या करेगा आप, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, जो काम हो नहीं सकता तो उसका तो मैं भाजीपाला भी नहीं कर सकता। तो पीछे का ये अपना काम हो चुका है, और
केड़े भाई इधर अपना दिमाग जरा दौड़ रहे, बट केड़े भाई को बोल रहा हूँ भाई केड़े भाई यहाँ पर अपने को ऐसा सब कुछ नहीं रखने का, अपने को हर एक विलेजर के लिए अलग से एक एक रूम बनानी है, समझ रहे हो पांडे जी, अपने को हर एक विलेजर को अपने आप अलग से एक एक रूम बनानी है, और केड़े भाई सारे रूम को एक ही विलेजर को सारे विलेजर को एक ही रूम में कैद रहे। तो सबसे पहले पूरा फिनिश करने के बाद मिलता हूँ। तो मैंने जेन कर दिया फाइनली, जेन करने में मुझे बहुत मेहनत लगी पूरी रात में, मुझे को मतलब मैं आगे की वीडियो कंप्लीट कर सकता था, पर क्या गाइस तुम लोगों को समझ में नहीं आता तो देखने में कुछ मुझे को ठीक नहीं लगा था। तो मैंने सबसे पहले रात का इंतज़ार किया और फिर सुबह हो गई, सुबह होने के बाद मैंने बारिश ख़त्म हो गई, बारिश ख़त्म होने के बाद मैं इधर आ गया और मैं सोच रहा हूँ कि किनारे की तरफ सेफ पायरे लूँ, पर मेरे को घंटा पसंद नहीं आई है पायरे, इसलिए मैं सारे पहले बना दिया और फिर तोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्लॉक्स ही लगाने पड़ेंगे, तो ये ब्लॉक्स लगाने के बाद इधर अपने सामने तरफ पायरे लगाया, तो ऐसा ही रहा हूँ मैं, पर कुछ बात नहीं, एक मिनट वो पूरा कंप्लीट करे तो सारी पर अभी टूट जाना है। फ्लावर की बीच मारे ये पुष्पा ना, तेरा फ्लावर बहुत बीच में आ रहा है, निकल रहा है उससे, निकाल दिया अपने साथ लेके जा। अभी क्या करते हैं, इधर अपने को लकड़ी के लगाओ या फिर आई थी लकड़ी की बेटर लगेगी, ये हो जा, हो गया। अबे और एक लेयर लगा देता हूँ, ठीक। अबे ये उल्टा क्यों लगी, ये टूट जा, फाइनली टूट गई। और अभी एक मिनट मैं तोड़ क्यों रहा हूँ, फिर हाँ मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मतलब स्टोन की लगाओ। तो गाइज मैंने इधर अंदर तुम लोगों को दिखा देता हूँ, हम लोग इधर अंदर मैंने एक काम कर दिया, अंधेरे में अंधेरे के काले काले बाज़ार में ये काम कर दिया मैंने, यहाँ पर हर एक विलेजर के लिए मतलब केड़े भाई सारे विलेजर के एक रूम में कूदने वाले थे, पर मैंने अलग अलग विलेजर के लिए एक एक रूम बनाने का काम शुरू कर दिया केड़े भाई को छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैं स्टोन की मतलब ये सारी चीज़ लगा रहा हूँ, तो फिलहाल ये स्टोन की लग दिया और यहाँ पर भी स्टोन का लगा रहा था, ठीक नहीं लगेगा केड़े भाई, लेफ्ट हो गया क्या पता नहीं, कोई बात नहीं चलो जान दो। तो अभी यहाँ पर मैं लगाने वाला वुड की, और ये फाइनली वुड की लग चुकी है, तो अपने आगे चलते हैं और आगे लगने के बाद अब देखते हैं कैसा लगता है अपने को, एक मिनट रुको गाइस घूम के देखते हैं। भाई यार ठीक ठाक लग रहा, इतना बुरा भी नहीं लग रहा गाइस, तुम लोग कैसे कमेंट करना मैं बताओ, वैसे तो मेरे को ठीक ठाक लग रहा, इतना बुरा भी लग रहा, बीच में क्यों आ गया भाई, निकल जाओ तुझे पांडे जी। तो वाई ओपी बोलते हैं गाइस, चैट में ओपी लिख देना। और एक बात, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई, जैसे सब्सक्राइब बटन होगा रेड वो दबा देना भाई, समझ रहे पांडे जी। वैसे अभी तो अपना ये हाउस बहुत ही ओपी लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट को यहाँ पर मैं अभी सीढ़ियों का अपने का मतलब अजीब सा नहीं मतलब अच्छा वाला डिज़ाइन देने का सोच रहा हूँ, पर मेरे को ठीक नहीं लग रहा है डिज़ाइन। एक मिनट नीचे की तरफ रहेगा, ये ठीक रहेगा ये जगह, नहीं ठीक नहीं लग रही मेरे को, उल्टा लगाना इसे, तुड़ जा भाई पांडे जी। और एक मिनट को ऊपर जाता हूँ और उसके बाद अब लगेगा उल्टा, एक मिनट लग जाओ उल्टा, हाँ ये लगेगा उल्टा, तो अब ठीक लग रहा है अपने को मतलब यहाँ पर एक लगा देता हूँ। और नहीं ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को बिल्कुल भी, ऐसा ही ठीक लग रहा है भाई, ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं करते हम लोग, समझ रहे पांडे जी, ज़्यादा भी मतलब हम लोग अगर ज़्यादा करने जाते हैं ना तो कुछ ज़्यादा भंगार दिखने लगता है, इससे अच्छा हम छोटे छोटे कम करें। तो मैंने एक साइड का पूरा कंप्लीट कर दिया, अपना वो भी आधा आधा एक कंप्लीट किया हुआ है, इसके ऊपर का भी बस एक रूम का आपको दिखाने के लिए मैंने खाली कंप्लीट की हुई थी। तो बाकी भाई ये क्या है, एक मिनट रुको, कोई तो था पीछे बाहर, मैंने अभी किसी को बाहर देखा गाइस, अपने वर्ल्ड में कोई जॉइन हुआ क्या, नहीं जॉइन का बटन तो नहीं आ रहा। तो फिलहाल तो गाइस तुम लोगों के रूम के इसलिए मुझे कमेंट करके बताना, वैसे मेरे को ठीक ठाक लग रही है, हर एक के मतलब हर एक विलेजर के एक एक रूम अलग से, उसके मतलब सामान वगैरह बेड वगैरह सारी चीज़ें। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कांच का लेयर ले लूँ, तो मेरे को ये ठीक ठाक ही लग रहा है, कांच का लेयर ले लूँ क्या नहीं ले समझ में आ रहा यार, मेरे को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया ये, ना मुन्ना मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा भाई, तोड़ देता हूँ मैं पूरा का पूरा, नहीं नहीं रहने दो वैसे ही, अपने को मेरे को लगता है वो ब्लॉक्स ही ठीक है। एक मिनट को ब्लॉक्स की जगह मैं ये ले सकता हूँ क्या, एक मिनट को वैसे भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, पीछे की तरफ ब्लॉक्स क्यों लग रहे, फिर से लग जाएगा, लग गया भाई ये टूट जा। और मैं सोच रहा हूँ नीचे की तरफ एक ले लूँ कांच का लेयर, भाई ये जरिए एक कांच का है ब्लॉक है, निकल जा। और ये टूट गया, सबसे पहले अपने को एक मिनट भाई ऊपर से कूदना पड़ेगा, नहीं कूदने भाई कुछ होते टूट जा भाई, रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, किलविश का अंधेरा कायम हो चुका है। तो सबसे पहले सो जाता हूँ, सबसे पहले सोने के बाद आप सबसे मिल, सॉरी डे होने के बाद आप सबसे मिल, फाइनली हमारा डे हो चुका है, देखो मेरा कल। तो पीछे का टूट जा, और फिर आज का तो मैं इधर का इधर भी टूट गया कैसे पता नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो नीचे वाला तोड़ू या ऊपर वाला तोड़ू, कौन सा तोड़ू समझ में नहीं आ रहा, तोड़ू तो तोड़ो कौन सा तोड़ू, तो दिखाओ यार समझ में यार, तुम लोग मुझे समझाओ यार, ये तोड़ देता हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ गाइस, ये टूटने के बाद और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये लकड़ी का, तो आप अच्छा सा डेकोरेशन लगेगा अपने को। तो गाइस ये रहा अपना फाइनल डेकोरेशन, इस तरफ का भी तोड़ देता हूँ, एक मिनट गाइस टूट गया पांडे जी। और ये टूटने के बाद इधर भी ये सब चीज़ें लगा देता हो, और अभी लग जाना, ये बेइज्जती मत करा, ठीक है लग गया, अबे लगना है फाइनल तो बचा हुआ है, और ये इधर लग जा। तो गाइज ये अपने को ओपी लग रहा है,
तो गाइस तुम लोगों को कैसा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर मैंने अभी जो एक्स्ट्रा दीवार लगाई हुई है मेरे को फिर से तोड़नी पड़ेगी, समझ रहे पंडित जी क्या करें, अब तोड़ना तो पड़ेगा। चारों तरफ देखो गाइस तुम लोगों को, राइट में दीवार तो लगाई हुई है मैंने, वो तोड़नी पड़ेगी अपने को। कोई बात नहीं, हो जाए, पर नहीं अपने को ठीक ठाक लग रहा है, इतना मतलब हंगार नहीं लग रहा, तो अपने को ठीक ठाक लगा इसलिए ओपी बोलते। तो अभी क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले ये पूरा उस तरफ ऊपर की तरफ अपने को इस तरफ से सीढ़ियाँ लगानी है। डेकोरेशन तो बुरा नहीं करता अपन यार, अच्छा कर लेता डेकोरेशन, कोई बात नहीं, हो गया अपना काम 50 का। तो गाइस मैंने नीचे का काम तो पूरा कर लिया, मतलब पूरा नहीं किया, बस वैसे छोड़ रखा है आधा जी डेकोरेशन करने के बाद। अभी सोच रहा हूँ ऊपर का सीढ़ी का भी काम देख लूँ, क्या ऊपर का भी अच्छा दिखना चाहिए यार, दिखना है तो अच्छा देखो, तो मतलब मत कहो समझे पांडे जी। वैसे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, चलो होगा पांडे जी शुरू। तो ऊपर का अपने पूरा का पूरा अपने सीढ़ी का इस तरह से कंप्लीट करने का है और हो जाए शुरू। तो गाइस ये पूरा का सीधा सीढ़ी का कंप्लीट करने के बाद आप सभी से मिलता हूँ भाई। अपना ऊपर का काम हो गया 50 का कंप्लीट, अभी सोच रहा हूँ नीचे का वाला भी काम कंप्लीट कर देता हूँ। नीचे वाले थोड़े बहुत काम वाले कंप्लीट कर दिए और इधर अपने को जो है ऊपर से आओ भाई। तू अंदर कैसे घुसा रे साले, ये बता मेरे को तू अंदर घुसा कैसे, निकल यहाँ से पहले फुर्सत में। इसकी हिम्मत कैसे, देखो भाई देखो अंदर घुस के मेरे को मारने की प्लानिंग चालू इसकी भाई तेरी। तो एक मिनट, इसको अपने को मारने का है कुछ भी करके, इसकी मतलब भाजी वाला अपने को करने का है। ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर हो जा 50 का काम शुरू। भाई भाई निकल 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 तू, भाई ये क्या है भाई, निकल टूटना भाई ये यार। एक मिनट रुको, अपने को इसको मारने का है भाई, ग्लिच करके नीचे आ जाता है साला, ऊपर से मरता नहीं सो तो कम मर गया, फाइनली मर गया। चलो अपने को ज़्यादा मतलब कुछ नहीं मिला नहीं, चलो अभी निकलते इसे मारने के बाद। वापस नीचे मारने के बाद अपने को उस पर नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के बाद पूरा पूरा काम कंप्लीट करना है भाई, बहुत काम बचा हुआ है अपने को। पूरा ये ट्रेडिंग हॉल बनाने का है आज कैसे भी करके, पूरा का पूरा कंप्लीट करना है मैंने। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह तो बना के काम कर दिया है, बस ऊपर का अपने को यहाँ पर अब इस तरह से मतलब समझ रहे हो ना, लकड़ी की सीलिंग्स लगानी है। सीलिंग्स नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं यार, इसमें नाम बोल गया यार, समझ रहे हो, कमेंट में बता देना मुझे इसका नाम क्या है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूरी पूरी भाई यार बिच भी लगे, कोई बात नहीं, चलो ये पूरा पूरा कंप्लीट कर देते हैं भाई। लग जा भाई अच्छे से भाई, स्केलेटन भैया हमको मारते तुम्हें यार, मेरे को काम के वो डिस्टर्ब नहीं चाहिए, मतलब समझ रहे हो, मैं अभी काम कर रहा हूँ तो इस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करोगे, समझ रहे हो पांडे जी। सबसे पहले एक पूरे का पूरा कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद सीढ़ी से मैं नहीं पढ़ता हूँ वो जगह भाई, आखिरी बच्चा बस थोड़ा सा और उसके बाद बस स्केलेटन भैया की आराम से धुलाई करेंगे। और इधर अपने कहा सारा का सारा मतलब ये लकड़ियाँ ख़त्म हो गई यार, ऐसा क्यों मेरे साथ ही होता है हमेशा, बताओ यार। इधर एक बच्चे एक में ये टूट जाते, तो ये टूट जा अबे अब नीचे गिर गई यार, मेरे को मिली क्या, एक मिनट को नहीं मेरे पास बची हुई है, एक मिनट को है मेरे पास, मैं तो भूल ही गया था, अपने पास एक्स्ट्रा बनाई हुई है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार। चलिए इधर लग जा भाई पांडे जी, और इधर लग गई और ये भी लग गई, और भाई ख़त्म क्या, बस इतनी थी क्या। स्केट में निकल निकल तेरी एससी की तरह मेरे को मारेगा साले, भाई मार रहा है साला, अब मार के निकल साले कमी ने, कोई बात नहीं। इधर भी अपने को बहाने सब चले, सो जाता हूँ भाई, सो क्यों नहीं पा रहा मैं यहाँ पर, एक मिनट रुको इधर भाई, सोने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा अपने को, अपने कौन सा पाप कर दिया, रात तो हो हुई है सोना पड़ेगा अपने सबसे पहले। हाँ फाइनली इधर सोने का ऑप्शन आ गया, तो सोने के बाद उठ गया, और उठने के बाद ये अपने लकड़ियाँ लगा ली, एक मिनट रुको अपनी लकड़ी की तरफ गई भाई। चलो गाइस सबसे पहले लकड़ियाँ बना लेता हूँ, लकड़ियाँ बनाने के बाद इधर लगा लेता हूँ यहाँ पर ब्लॉक किस आइटम से, यहाँ पर कुछ तो हुआ है पर खोल जाओ, वो अपना ब्लॉक किसने चुराया, केड़ी भाई कुछ तो केड़ी भाई ने कांड किया लग रहा है अपने को, कोई बात नहीं रहने दो जाने दो। सबसे पहले क्या करते हैं अपने को लकड़ियाँ बनानी है, लकड़ी का भाई एक मिनट को सही बस लकड़ी तो होंगी कन्फर्म होनी चाहिए, तो किधर गई अपनी वो बाकी की सारी चीज़ें बना लेता हूँ। कोई दिखाएगा मेरे को किधर है वो लकड़ियाँ भाई, इसके लिए अपने को वो चाहिए स्टिक्स चाहिए, और स्टिक अपने बना ली और तीन लकड़ियाँ। तो गाइस फाइनली बन चुका है, फाइनली बनने के बाद अब हम लोग जाके वो बचे हुआ काम कंप्लीट कर देते हैं। तो गाइस फाइनली बचा हुआ काम हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो देखते हैं सबसे पहले एक मिनट को ऊपर चढ़ते ऊपर चढ़ने पड़ती यहाँ पर बचा हुआ ये यहाँ पर ही रह गया, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा एक मिनट को, ये ब्लॉक भाई सीढ़ी वाला ब्लॉक नहीं लगाने का, इधर अपने को बड़ा वाला लगाने एक मिनट को टूट जाए, उठने के बाद आप एक मिनट को चेस्ट किधर गई ये रहे अपने मतलब मिल गया, तो इधर लगा दिया। लगाने के बाद अभी ऊपर का काम जो थोड़ा भाई यहाँ पर भी टूटा हुआ है क्या, एक मिनट को और का टूटा हुआ है कुछ, चलो और कहीं तो दिख नहीं रहा कुछ टूटा हुआ अपने को सारी चीज़ें ठीक ही लग रही है। तो ऊपर का भी जो बचा हुआ अपना काम वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर देते हो भाई, एक मिनट लग जा हाँ लग नहीं रहा इधर सर, कोई बात नहीं, चलो ऊपर का सबसे यहाँ पर नीचे लकड़ी के दीवार लगा देते हैं, और लकड़ी के दीवार लगाने के बाद अभी ऊपर का अपना काम 50 का कर देते हैं शुरू। तो और ये हो गया अपना भाई, एक अंदर नहीं बाहर लगनी यार, एक मिनट रुको, तो ये अपना हो गया 50 वाला काम शुरू, और ये टूट जा, और ये टूटने के बाद ये भी टूट गई और ये फाइनल टूट गए। तो अभी क्या करते हैं सबसे पहले बाहर जाकर देखते कैसे लग रहा है।
तो गाइस अपने को तो ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना ओपी नहीं मांगा है, मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है यार, इतना भी बेकार नहीं लग रहा, अंदर से तो बहुत ओपी लग रहा है, बाहर से कुछ मतलब थोड़ा और डेकोरेशन करना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहा होगा, मैं बाजू की तरफ से मतलब वन ब्लॉक की लेयर ले रहा हूँ, क्योंकि बाहर से भी डेकोरेशन अच्छा लगना चाहिए, तो बाजू की तरफ से वन ब्लॉक की लेयर ले रहा हूँ। तो वन ब्लॉक की लेयर हम लोग अभी लेने वाले हैं पूरा पूरा, बाजू को एक्स्ट्रा जंप ब्लॉक आते हैं यार, क्या करूँ उसमें, मेरा कुछ नहीं जाता पर करना पड़ता, अबे हो जाता है, मिस्टेक यार भाई मिस्टेक। तो वही तो हो गया अपने पास, एक बीचों बीच रह गया, ये लग जाए भाई पांडे जी, और ये लगने के बाद ये भाई ये क्या है असलन फ्लावर क्यों बीच में आ रहे, मेरे को समझा यार क्यों क्यों। पुष्पा भाव अभी तो आपकी मूवी तो भाई कब की जा चुकी है, आ गई और भी छिली भी गई, अब क्यों आप दिमाग गर्म कर रहे हो अपना, कोई बात नहीं जाने दो। वैसे ये काफ़ी अच्छी मूवी थी यार, किस किस ने देखी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी क्या करते उसप्ले ये गई, और मैं फ्री में पुष्पा भाव की मूवी का प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ भाई, किसने भी देखी मुझे उससे क्या। तो अभी क्या करते उसप्ले गाइस, हम लोग अभी पूरी की पूरी ये कम्प्लीट कर देते हैं, बट काफ़ी अच्छी मूवी थी, मेरे को पसंद आई और जाने दो। तो अभी जरिए पूरा काम कम्प्लीट कर, बीच बीच रह गए एक मिनट को, ये फाइनली फिनिश और अपना काम फिनिश हो गया। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ बीच बीच एक ऊपर का लेयर लगा हुआ है वो तोड़ देता हूँ सबसे पहले, और ये टूट गया पांडे जी भाई, टूटना है भाई टूट, हाँ फाइनल टूट गया। तो अभी सबसे पहले क्या देखते हैं सामने से हमने को दिखता कैसे, मेरे को ठीक ठाक लगेगा, इतना बुरा नहीं लगेगा, अपना ओपी वाला घर है भाई, ठीक ठाक लगना ही चाहिए यार भाई, ओपी लगा है, कैसा लगा है इसमें बता, ठीक है लग रहा है। तो अभी क्या करते हैं सबसे पहले अंदर वाला काम अपने कम्प्लीट करना है, सबसे पहले अंदर बहुत सारे ऐसा काम बचा हो जो अपने तो मैंने कम्प्लीट नहीं किया, पर अंदर मेरे को समझ, अपने सबसे पहले बेड लगाने काफ़ी सारे, मेरे को मेरे पास अभी तीन बेड है, तीन बेड लगा लेता हूँ, और इधर अंदर मुर्गी किसने किया, इधर की राइट साइड तुम्हें मुर्गी देखेगी, सॉरी लेफ्ट में, और वैसे जान दो, और इधर बेड लग गया, और बेड लगने के बाद अभी ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना बुरा भी लग रहा है। चलो फाइनली गाइस बाहर जाके देखते हैं सबसे पहले हमारा काम अभी तक कैसा चला, वैसे सारा काम ओपी वाला हुआ है। तो अभी ऊपर से अपना सारा मतलब ये काम हो गया फिनिशिंग, और मेरे को अभी गाइस एक्सपायर दिमाग में एक ओपी वाला आइडिया आया है, वो आइडिया ऐसा है कि अभी हम लोग हैं ना जो ब्लॉक्स होते हैं ना ब्लॉक, उसके मतलब जो ये देख रहा हूँ मैं बनाने वाला हूँ, अभी जो बना रहा हूँ, तो उसके बाद ये जो इधर मैं लगाने वाला हूँ देख रहा हूँ तुम लोग देखो मीटर वाइस, तो ये इस तरफ से और ये अभी बंद हो जा, और ये ऊपर की तरफ लग जा भाई, बंद होना इधर बंद करना पड़ता है इसको। तो गाइस ये देखो गाइस ये कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बता, मेरे को तो बहुत ही ओपी लग रहा है। तो इधर मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये मतलब एक मिनट को लग जा, जो पूरी की पूरी मतलब तुम लोगों को भीतर जो स्टोन का भीतर दिख रहा है ना वो मैं कवर करने वाला हूँ इस तरह से वुड के भीतर में, तो ये मेरे को ठीक ठाक मतलब बहुत ही ओपी लग रहा है, मतलब ऐसा मतलब पूरा स्टोन मतलब जरा अच्छा दिखेगा, मतलब अच्छा तो दिख ही रहा है वैसे भी मेरे को ठीक लग रहा है। तो मैं भी क्या करता होगा, ये मैं पूरा पूरा वैसे कंप्लीट करने वाला हूँ इस तरह से, मतलब थोड़ा और कर दूँ क्या एक मिनट को, मेरे को ठीक ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा, तुम लोग मुझे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं अभी ये पूरा पूरा इस तरह से कंप्लीट कर, पूरा मतलब पूरा तो कंप्लीट है ये वीडियो, भाई नीचे लगाओ क्या, नहीं नीचे ठीक नहीं लगा मेरे को, ऊपर ही ठीक लगा, मतलब जो कांच का लेयर है उसके ऊपर और नीचे लगाने वाला इस तरह से हर जगह पर। तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ओह यार ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। चलो अभी सामने तरफ देखते हैं, सामने तरफ हमें कुछ करना है क्या, एक मिनट रुको मैं यहाँ पर एंट्रेंस पर लगा सकता हूँ क्या, तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत फ्लावर्स वगैरह लगा रखे भाई, निकल यार, तो यहाँ पर क्या कर, थूकेगा सर मुझ पर थूकेगा सर, निकल निकल वही मरना, मर गया चला फाइनली, मरने के बाद अभी एक मिनट को यहाँ पर लगा देता हूँ, और ये ठीक लग रहा है यार, इतना बुरा नहीं लग रहा। चलो अभी क्या करते हैं इधर एक लगा देते हैं, ओ भाई लग जा, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ लग जा, नीचे लगा दो रेंज जा, तो ठीक लग रहा है, ओ लग जा भाई पंडित जी, और ये वो यहाँ पर एक लग गया, तो अभी ये ठीक लग रहा है, इतना बुरा लग गया कि सब यहाँ पर एक रह गया, एक मिनट को गाइस, और ये हो गया अपना काम 50 का। तो एक मिनट गाइस मैं सोच रहा हूँ जो कांच के लिए उसके आगे पीछे भी लगा दूँ, जो सामने तरफ कांच के लेयर है ना उसके आगे पीछे लगा, तो ये अब नीचे लगा अच्छा लगेगा क्या, नहीं ये घंटा नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल नहीं, पीछे पहले से उड़े और ऊपर से इतना एक्स्ट्रा उड़ का क्या करूँगा मैं भाई, अंधेरा क्यों हो गया फिर से, किलविश का अंधेरा कायम हो गया, एक मिनट को निकलता हूँ, सबसे पहले सोना पड़ेगा, सोने का बेड किधर भाई, हर जगह पर मैंने एक क्यों लकड़ी लगा भाई, अंदर मुर्गी भी किए दे जान, तो सोने का काम हो गया शुरू भाई, सोने का हो गया भाई, डे हो गया अपना 50 का काम। चलो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, आगे हो गया अपना 50 का, और मैंने पूरे का पूरा गाइस कंप्लीट कर दिया है, देख रहा है तुम लोग सामने की तरफ, मैंने वो पूरा का पूरा गाइस कंप्लीट हो गया अपना 50 का, और इससे तो अभी देखो गाइस सनसेट अभी चालू है, और इधर सब मतलब किस तरह से तुम लोगों को दिख रहा है, मतलब बहुत ही ओपी वाला दिख रहा है। एक मेरे को कोई भूख लगी है, तो भी सोचो मेरे को कोई मार रहा है क्या, अच्छा ऐसे लाल लाल हुआ, अपने को काफ़ी ज़्यादा हंग्री हो चुका है, अपना पेट खाली हो चुका है ना, क्या कर, मैंने मतलब कब से बकरी हमको कब से मारने लगी, नहीं तो सामने तो बकरी थी ना मेरे, मेरे को ऐसा ही लगा बकरी, पीछे से देखो पीछे से भी मैंने ओपी से मतलब डिज़ाइन वगैरह बना के रखा हुआ है, ऐसे मैंने चेक किया गलती से, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी तुम लोगों ने देख ही रखा होगा, वैसे ठीक रहा लग रहा है इतना अभी, तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो गाइस अब सबसे पहले क्या करता हूँ, डे कर लेता हूँ, सबसे पहले सो जाता हूँ, सोने के बाद डे करने के बाद आपसे मिलता हूँ भाई, सोने का ऑप्शन किधर भाई, सोना है अपने को, तो जाते ऊपर सो जाते, और सोने के बाद अभी सबसे मिलता हूँ, और ये हो गया अपना कब सोने का, डे हो चुका है, तो डे होने के बाद अभी देखो गाइस मैं सोच रहा हूँ ऊपर की तरफ इस तरफ से करते हैं,
टो अपने के ऊपर अच्छा लग रहा है यार, समझ रहे पांडे जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे ये पूरा पूरा गाइस, इस तरह से मैं पूरा पूरा अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, तो पूरा कंप्लीट करने के बाद आप सभी से मिलता हूँ गाइस। हो गया अपना पांडे जी, तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत कंप्लीट कर दिया और आधा कंप्लीट हो गया है अपना, फाइनली मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गाइस। देखो ऐसे कैसा लग रहा है तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ गाइस। अभी फाइनली अपने को अंदर विलेजर लेके आने हैं और उसके लिए अपने को माइंड चार्ट बनानी है और माइंड लगा के मतलब सारे विलेजर को एक साथ कैद करके रखना है। और केड़ी भाई और अभी ऑनलाइन आ चुके हैं, और केड़ी भाई और मैंने मिलकर माइंड चार्ट का थोड़ी बहुत जानकारी निकाल के और बना के रखी हुई है। तो हम लोग पड़ोसी वाले गाँव में चले गए और गाँव से विलेजर को लेके आ गए बोट से। तो केड़ी भाई को मैंने इसीलिए स्पेशली इन्वाइट किया ताकि अपने को अभी के अभी सबसे पहले विलेजर को कैद करना है डैपी सारे। तो मैंने केडी भाई को बुला लिया और अपनी बोट में समझ रहा हूँ, तो कब से देख रहा हूँ तिरकी क्यों चल रही है, तिरकी क्यों चल रही है अभी समझ में आया, क्योंकि मैं तिरका बैठा हुआ था। केडी भाई सबसे पहले मेरी गाड़ी आगे बढ़ी है। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं और निचलने के बाद अभी सबसे पहले नीचे चलते हैं और आराम से गाइस, थोड़ा भी अगर हो गया ना मैं प्रॉब्लम मेरे को एकदम आराम से मैं आपसे माइंड सेट में बैठाने वाला था सबको, पर कोई बात नहीं। केडी भाई बोल रहे कि तुम लोग ऐसे ही चलो, चलते रहो, ऐसे ही चलो। तो अभी चलने के बाद यहाँ पर जाने के बाद यहाँ अपनी गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि यार सामने एक मतलब तुम लोग लकड़ी का दिख रहा है उसके आगे जा नहीं रहे, और यहाँ पर एक मिरेकल हो जाता हो गाइस। मैं जैसे बोर्ड से उतर जाता हूँ और अपना जो विलेजर है वो गायब हो जाता है। वो सच्ची बोलो तो ये जादू था, इस जादू का कमाल तो मैं भी नहीं जानता था कैसे हुआ था, पर गाइस 5 मिनट बाद वो वहीं पर वापस आ जाता है। और वो कैसे आता है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मिरेकल है। वो मिरेकल इसी वजह से है क्योंकि आपने मोबाइल का नेट बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, वो वहीं पर एक गाइस पर मेरे को मोबाइल में दिख नहीं रहा। तो अभी फिलहाल मैं केड़ी भाई को तोड़ रहा हूँ, तो मेरे को लगा वो गायब हो गया, पर वैसे वही था, समझ रहे पांडे जी, समझ रहे वही था, वो नहीं था वहाँ से। वो केड़ी भाई अंदर गए, केड़ी भाई अंदर रहने के बाद वैसे सबसे माइंड तोड़ देता हूँ गाइस। अभी अपना एक विलेजर कैद हो चुका है, तो विलेजर कैद करने के बाद ये भाई टूट जाना भाई क्यों बेवजह टूट, हाँ भाई नहीं भाई केड़ी भाई उतर जाओ। उतरने के बाद केड़ी भाई बाहर कैसे आएंगे भाई, वो पहले उसकी माइंड सेट तोड़ो, माइंड सेट तोड़ने के बाद अभी केड़ी भाई बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद बस मुझे ये तोड़ना पड़ेगा भाई, मैं तोड़ूँ क्या, अपने तोड़ोगे, ठीक है भाई केड़ी भाई बोल रहे कि तुम तोड़ो, तो शुरू करते हैं अपने भाई। अपन नहीं तोड़ने वाला, वैसे रहने अंदर रहने जाओ, टू अंदर ही रहो, बाद में निकालूंगा मैं, समझ लो पांडे जी। फिलहाल अपने विलेजर केड़ी भाई बोल रहे मेरे को पीछे आपको विलेजर दिख रहा है, पर मेरे को घंटा दिख रहा है, समझ मैं पीछे देख रहा था तो उस वक्त मेरे को घंटा विलेजर दिख रहा था। तो अभी देखते हैं गाइस वो पॉइंट टूटने बाद और फाइनली विलेजर बाहर क्यों निकल रहा है सबक को। तो देखो गाइस जादू वापस आ गया, अपना विलेजर भाव सब गया और बाहर गया विलेजर सलाद, इसकी तो सकीने का निकालूंगा मैं, मर जा साले। एक मीटर को अपने को जो बचा हुआ विलेजर है गाइस वो अपना बोट में, भाई ये भी इसमें जाके बैठ गया। तो अभी क्या करते हैं गाइस, बोट को सामने की तरफ ढकेलते हैं आराम से पिच्चू से आराम से, वो धक्का दे रहा है और वो बोल रहा है पीछे से क्या कर रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा, आराम से भाई बच्चो आराम से, हो गया पांडे जी। तो केड़ी भाई अभी कर रहे हो क्या, ये मां मत करो यार गंदी बात है, मुझे पांडे जी। चलो गाइस सबसे पहले माइनिंग का नीचे का जो मैंने लगा हुआ है वो तोड़ देता हूँ, और ये तोड़ने के बाद अभी विलेजर को और आगे ढकेलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लकड़ी का प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है पांडे जी। मुँह से निकल नहीं पाता कभी भी ठीक से, इसको पीछे से हमको फिर से धक्का देना पड़ेगा भाई, विलेजर बोल रहा है पीछे से क्या कर रहे हो सालो, धक्का दे रहा हूँ, समझ पाए धक्का आराम से धक्का दो। ओ भाई इसे मार रहा हूँ क्या मैं, एक मिनट मेरे को बोट तोड़नी है इसकी यार, अरे मर गया यार, मैंने कुछ नहीं किया केड़ी भाई, अपने आप मारा, मैंने इसे एक शॉट भी नहीं मारा। केड़ी भाई बोल रहे अभी घंटा उसे हाथ मत लगाना सामने वाले विलेजर को, मैं आराम से सब कुछ कर दूंगा, कोई बात नहीं अपन आराम से देख लेगा भाई, लग जा भाई फाइनली ओपी बोलते ओपी डी के भाई, नीचे रेड बटन होगा वो दबा देना भाई पांडे जी, समझो कोई भी हाल करके रेड बटन दबा देना। तो अभी क्या करते हैं और एक विलेजर को लेके आते हैं, तो गाइस हम और एक विलेजर को लेके आते हैं, हमारी गाड़ी धूम की तरफ भागती हुई धूम की तरफ आगे और राइट थोड़ा सा टर्न मार के और गाड़ी ओपी से नीचे लैंडिंग। तो इसे मैं राइट की तरफ ले जा रहा हूँ, ओ अपना राइट ये रहा, तो आगे बढ़ केड़े भाई, अभी जल्द से जल्द इधर आओ और ये तोड़ो। ओ टो कम ईयर भाई कम यार माई ब्रो कम तोड़ो उसे, ये पांडे तोड़ना रहे तो कितना टाइम लगा रहा है आपको उसका गाइस, सच बोल तो उसके केड़ी भाई का नेट हग रहा था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो अभी सबसे लेकर करते आगे चलने के बाद यहाँ पर अपना हो गया 50 का काम शुरू, इस समय बोर्ड से नहीं उतरने वाला क्योंकि यह भागेगा मेरे को पता है, इसलिए अपन इसको यहाँ पर लगाने वाला इस तरह से, और ये फाइनल हो गया और ये लग जाए भाई केड़ी भाई सब आराम से मारने वाले फाइनली। बोट मुझे वापस चाहिए, मेरी बोट देगा नहीं देने वाले मुझे पता है घंटा। तो अभी यह करने का ऐसे विलेजर को केड़ी भाई वापस इस तरफ लेने आने वाले, वो अपने सोच रहे ये बड़ी वाली नहीं है इस तरफ राइट की तरफ बड़ी वाली है, इसके अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर विलेजर को अपने डालना है। तो केड़ी भाई विलेजर लेके जाओ, अभी विलेजर को लेके आओ। तो ये विलेजर केड़ी भाई लेके आने वाले है,
क्योंकि उनको वो विलेजर केड़े भाई का है। तो केड़े भाई अपना विलेजर लेके आओ। यहाँ पर अभी म्यू होना चाहिए था 5 आवर लेटर, काफ़ी अच्छा लगता ना वो, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ता हमें। तो ऐसे में यहाँ पर माइंड्स वगैरह लगा देता हूँ, मैं इनमें सारे विलेजर को लेके लाने वाला था। तो केड़े भाई अंदर जा चुके हैं। भाई उतरो ना, उतरने के बाद जाओ भाई। उनका नेट कितना हाग रहा था पता है, बहुत ज़्यादा नेट हाग रहा था इस वक्त, इनका नेट इतना हाग रहा था मैं बता नहीं सकता था। वो बाहर आने का प्रयत्न कर रहे थे, बाहर आ नहीं पा रहे थे। पर कोई बात नहीं गए, तब तक तुम लोग वो बाहर आने का प्रयत्न करे और उन्हें बाहर ना आने पड़े। वो बाहर आ रहे थे पर उनको बाहर आ नहीं रहे थे, इसका वजह से साइंटिस्ट के रिप्लेस कुछ इस तरफ से कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे को पता है। फिर मैंने बाजूवाल तोड़ रखा है, फिर ये क्यों तोड़ रहे मेरे को पता है, उनका नेट हाग रहा है इसी वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, तुम लोग तब तक लाइक और सब्सक्राइब बटन होगा नीचे, रेड और बटन दबा देना। तो फाइनली गाइस इस तरह से हम अभी सर के सारे मतलब विलेजर को इस तरह से अंदर डाल देते हैं। भाई मैं फिर से अंदर चला गया, इधर मेरा नेट नहीं हाग रहा अपन, फिर भी मैं गाइस अंदर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस नीचे रेड और बटन होगा दबा देना, मेक श्योर तुम लोग आज की वीडियो पसंद आ रहा हो। तो आज की वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और बटन दबा दो, और लाइक तो भाई फ्री है करवा दो, सब्सक्राइब तुम लोग का वीडियो पसंद आ रहा है तो करो देना भाई। भाई मेरे को फिर से अंदर नहीं बैठना, मैं बाहर है भाई, किड़ी भाई आप ही पी लो उससे। तो अभी क्या करते हैं गाइस, आज की वीडियो से इतना, मैं बाकी के सारे विलेजर को इस तरह से अंदर कैद कर दूंगा और तुम लोगों को इंट्रो में दिखा दूंगा गाइस। अभी तुम लोग इंट्रो में जाके देखो, पूरा फुल्ली म्यूजिक इंजॉय करो। स्केलेटन भाई तू बीच में क्यों आ रहा है, निकल साले अपने 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 घर के अंदर घुसेगा साले, निकल पहले पूछते हो तो निकल जाए से। तो गाइस तुम लोग गाने के साथ पूरा का पूरा वीडियो इंजॉय करो, और तुम लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, सी यू, टाटा।